सो इस वीडियो में हम फायरबोल्ट फायर पोर्ट्स निंजा 601 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स की कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। माइक टेस्टिंग भी करेंगे, कॉलिंग पे कैसा साउंड है, गेमिंग टेस्ट भी करेंगे, साउंड टेस्ट करके भी बताऊंगा एंड टच कंट्रोल्स भी कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सो कंप्लीट इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ेंगे इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो कर दीजिए लाइक। सो चलिए चलते हैं फटाफट इसको हम अनबॉक्स करते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो है पैकेजिंग देखने के लिए मिल जाता है, बॉक्स देखने के लिए मिलता है आप देख सकते हो। एंड फटाफट कुछ इस तरीके से यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं एंड कुछ इस तरीके से हम ओपन करते हैं एंड यहाँ से हम इसको बाहर निकालते हैं एंड कुछ इस तरीके से देख सकते हो इसको बाहर निकाल लेते हैं। एंड इसके बाद बात करें इसमें आपको कुछ यहाँ पे देख सकते हो वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड देखने के लिए मिल जाए एंड कुछ जो है वाउचर्स जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके साथ इसको रखते हैं साइड में। आगे बात करें तो एक यहाँ पे यूज़र मैनुअल आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ईयरबड्स अगर आप बाई कर रहे हो देन आप एक बार यूज़र मैनुअल रीड कर लें। इसको भी रखते हैं साइड में। साथ ही बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग साइज़ के यहाँ पे दो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स जो है इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एंड इसको भी रखते हैं साइड में। साथ ही बात करें और बॉक्स में तो यहाँ पे एक यूएसबी टाइप सी का चार्जिंग केबल देखने के लिए मिल जाता है जिसका यूज़ करके आप ईयरबड्स के केस को जो है आप चार्ज कर सकते हो एंड इसको भी रखते हैं साइड में। आगे बात करें तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे केस एंड ईयरबड्स सेपरेट देखने के लिए मिल जाता है। सो कुछ इस तरीके का देख सकते हो एंड यहाँ से हम निकालते हैं सबसे पहले केस को। तो कुछ इस तरीके से केस को हम निकाल लेते हैं एंड केस को निकालने के बाद इसके बाद ईयरबड्स को यहाँ से हम निकाल लेते हैं। कुछ इस तरीके से ईयरबड्स को हम निकाल लेते हैं एंड इसको रखते हैं साइड में। ईयरबड्स की सबसे पहले बात करें हम ईयरबड्स की, सो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको जो है ईयरबड्स देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सो यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट का इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है, मार्किंग देखने के लिए मिल जाता है एंड यहाँ पे रबड़ के आपके ईयर टिप्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि कंफर्टेबल रहेंगे, पहन के भी दिखाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है। इस साइड अगर बात करें तो यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। ऑल्सो यहाँ पे टच कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं एंड सबसे नीचे जो है आपको यहाँ पे माइक्रोफोन देखने के लिए मिल जाता है। कंप्लीट कुछ इस तरीके का ईयरबड्स देखने के लिए मिल जाता है आप देख सकते हो एंड फाइनली कुछ इस तरीके का ईयरबड्स है। आते हैं हम अपने केस पे तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का जो है केस का लुक देखने के लिए मिल जाता है। डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, थोड़ा यूनिक डिज़ाइन जो है केस का यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे लाइट देखने के लिए मिल जाता है केस में जो कि हम ऑन करेंगे एंड देखेंगे। एंड बैक में अगर बात करूँ तो देख सकते हो यूएसबी टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट जो है देखने के लिए मिल जाता है। फाइनली कुछ इस तरीके का केस देखने के लिए मिल जाता है। एक बार ईयरबड्स को पहन के दिखाता हूँ किस तरीके का फिट एंड कम्फर्ट जो है इसका कैसा है एंड इन ईयर जो है लुक कैसा आने वाला है। सो ये राइट ईयरबड्स का राइट साइड का इसको हम राइट में पहन लेते हैं कुछ इस तरीके से एंड ये लेफ्ट का इसको हम लेफ्ट में पहन लेते हैं कुछ इस तरीके से। एंड फाइनली पहनने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आने वाला है एंड फाइनली देख सकते हो लुक कुछ इस तरीके का आएगा। एंड अगर फिट और कम्फर्ट की अगर मैं बात करूँ सो अभी तक मैंने जितने ईयरबड्स अनबॉक्स किए हैं काफ़ी कम ईयरबड्स के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की है, लेकिन जितने भी किया है उनमें से सबसे अच्छा फिट मुझे इसका लगा। फिट एंड कंफर्ट जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा भी इरिटेटिंग वगैरह नहीं लग रहा है ईयर में अगर हम पहनते हैं तो। कुछ इस तरीके से देख सकते हो फाइनली फिट एंड कम्फर्ट जो है लुक आने वाला है एंड फिट एंड कम्फर्ट तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। फाइनली देख सकते हो कुछ इस तरीके का ईयरबड्स है। एंड बात करें केस की तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का केस है एंड केस को आप फाइनली हम ओपन करते हैं एंड ओपन करते ही देख सकते हो कुछ इस तरीके का लाइटनिंग जो है केस में नीचे यहाँ पे लाइटिंग एक देखने के लिए मिल जाता है एंड केस का इंटरफेस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। एंड फाइनली इसमें हम ईयरबड्स को रखते हैं एंड ईयरबड्स को रखने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ईयरबड्स का लाइटनिंग एंड केस का लाइटनिंग जो है देखने के लिए मिल जाता है। फाइनली देख सकते हो कुछ इस तरीके का काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक आ रहा है एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पे बिल्ड किया गया है एंड ईयरबड्स का भी लुक जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। फाइनली देख सकते हो कुछ इस तरीके का केस एंड ईयरबड्स का लुक है। एक बार इसका क्विक के स्पेसिफिकेशंस आपको मैं बता देता हूँ। सो इसमें आपको 10 mm का जो है ड्राइवर्स देखने के लिए मिल जाता है एंड बेस बूस्टेड ड्राइवर इसमें देखने के लिए मिल जाता है। ऑल्सो बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी वगैरह में कोई इशू नहीं आएगा। इसी के साथ बात करें तो इसमें आपको 30 आवर्स का टोटल प्ले टाइम देखने के लिए मिल जाता है केस एंड ईयरबड्स को मिला के। एंड अगर आप एक बार ईयरबड्स को चार्ज करोगे तो अराउंड आपको 5 घंटे का बैटरी बैकअप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही बात करें तो IPX5 वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है एंड 40 ms का अल्ट्रा लो लेटेंसी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ बात करें तो 1 से 2 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगा एंड इसमें टोटल आपको कंप्लीट टच कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है एंड इसका आपको 10 m का जो है ब्लूटूथ रेंज देखने के लिए मिल जाता है। कंप्लीट कुछ ये स्पेसिफिकेशंस वगैरह हो गए
एंड फाइनली एक बार देख सकते हो कुछ इस तरीके का केस जो है, इस तरीके का आपको ईयरबड्स देखने के लिए मिल जाता है। बट लुक एंड लुक से ज़्यादा मैटर करता है इसका क्वालिटी कैसा है। एंड बात करें तो काफ़ी सही देखने के लिए मिल जाता है केस एंड ईयरबड्स। लेकिन चलिए अब इसका हम एक बार साउंड टेस्ट करके देखते हैं। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. So, आपने सुना इसका साउंड क्वालिटी, माइक से पता नहीं कैसा साउंड जा रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में जब इसका मैंने साउंड सुना, इसमें काफी अच्छा बेस आपको देखने के लिए मिल जाता है, सॉफ्ट बेस देखने के लिए मिल जाता है, जिसके वजह से म्यूजिक भी काफी अच्छे से आप सुन पाओगे, सॉन्ग वगैरह के एक रियल जो है एक्सपीरियंस आप कर पाओगे, काफी अच्छे तरीके से जो है आप म्यूजिक को एक्सपीरियंस कर पाओगे, इंजॉय कर पाओगे। काफ़ी अच्छा सॉफ्ट बेस देखने के लिए मिल जाता है एंड म्यूजिक एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा है इससे आप करने वाले हो। एंड इसी के साथ चलिए एक बार हम इसका माइक का टेस्ट कर लेते हैं, कॉलिंग पे किस तरीके का वॉइस जो है सामने वाले के पास जाएगा। तो अभी आप जो ये वॉइस सुन रहे हैं ये फायरबोल्ट फायरपोर्ट्स निंजा 601 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स पे माइक से रिकॉर्ड हो रहा है कॉलिंग पे। एंड इसको सुन के आप एक अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके का कॉलिंग पे जो है वॉइस जो है सामने वाले के पास जाएगा एंड कुछ इस तरीके का माइक का क्वालिटी इसका देखने के लिए मिल जाता है। कंडीशन ऐसा है कि दोनों ईयरबड्स को मैंने दोनों ईयर में लगा के रखा है एंड कॉलिंग का जो है वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है एंड फाइनली आप एक सुन के अंदाजा लगा सकते हो कैसा माइक का क्वालिटी इसका देखने के लिए मिलता है। सो ये देखा, ये सुना आपने जो है माइक का क्वालिटी इसका कैसा देखने के लिए मिल जाता है कॉलिंग वगैरह पे। ओवरऑल ठीक ठाक माइक का क्वालिटी देखने के लिए मिल जाता है, दोनों ईयरबड्स पे आपको एक एक माइक जो है देखने के लिए मिल जाता है। एंड एक बार चलिए इसका गेमिंग टेस्ट करके हम देखते हैं, क्योंकि इसमें 40 ms का अल्ट्रा लो लेटेंसी देखने के लिए मिलता है। सो इसमें मैंने एसफाल्ट 9 जो है गेम प्ले करके देखा एंड जो एक्सपीरियंस मैंने किया यहाँ पे बिल्कुल भी साउंड का लैगिंग वगैरह या फिर साउंड का डिले वगैरह देखने के लिए नहीं मिला। काफ़ी अच्छे से गेमिंग में एक एक साउंड को जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा था एंड जैसे कि आप सुन सकते हो। तो आपने सुना गेमिंग पे भी काफ़ी अच्छा साउंड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एक रिकमेंड मैं करूँगा कि आप जब भी गेम प्ले करें तो बेटर साउंड क्वालिटी के लिए इसका गेमिंग मोड एनेबल कर लें, उसके बाद ही जो है गेम प्ले करें। एंड गेमिंग मोड कैसे एनेबल करना है, कंप्लीट टच फीचर्स वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। सो टच कंट्रोल्स कैसे यूज़ करना है, तो आप सिंगल टैप करके किसी भी ईयरबड्स पर गाने को या फिर वीडियो को जो है प्ले या पॉज कर सकते हो। अगर आप डबल टैप करते हो राइट ईयरबड्स पे देन आप नेक्स्ट सॉन्ग पे जा सकते हो एंड डबल टैप करते हो लेफ्ट ईयरबड्स पे देन जो है प्रीवियस सॉन्ग पे जा सकते हो। अगर आप ट्रिपल टैप करते हो लेफ्ट ईयरबड्स पे देन जो है आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हो एंड ट्रिपल टैप करते हो अगर आप राइट ईयरबड्स पे देन जो है आप गेमिंग मोड को एनेबल कर सकते हो। एंड अगर आप फिर से ट्रिपल टैप करते हो राइट ईयरबड्स पे देन गेमिंग मोड से ऑफ करके एंड नॉर्मल मोड में आ जाओगे। एंड इसी के साथ बात करें अगर आप राइट ईयरबड्स पे 2 सेकंड तक प्रेस करके रखते हो देन जो है वॉल्यूम बढ़ा पाओगे एंड अगर आप लेफ्ट ईयरबड्स पे 2 सेकंड तक प्रेस करके रखते हो देन जो है वॉल्यूम कम कर पाओगे। सो ये तो हो गया म्यूजिक में आप किस तरीके से वीडियोज वगैरह में यूज़ कर सकते हो इन गेमिंग मोड। अब बात करते हैं कॉलिंग में आप किस तरीके से टच कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हो। सो अगर कॉल आता है एंड कॉल को रिसीव करना है देन आपको किसी भी ईयरबड्स पे सिंगल टैप करके कॉल को रिसीव कर सकते हो एंड रिसीव करने के बाद किसी भी ईयरबड्स पे सिंगल टैप करके कॉल को एंड कर सकते हो या फिर जो है हैंग अप कर सकते हो। एंड इसी के साथ बात करें अगर कॉल आता है आपको रिसीव नहीं करना है, रिजेक्ट करना है देन किसी भी ईयरबड्स पे 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है देन जो है कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से कंप्लीट इसका टच कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हो। एंड ओवर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे साउंड का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, फिट भी जो है इसका वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है एंड ओवरऑल माइक का जो इसका कॉलिंग पे क्वालिटी है वो भी ठीक देखने के लिए मिल जाता है, गेमिंग भी काफ़ी अच्छे से इसमें आप एक्सपीरियंस कर पाओगे।
एंड फाइनली बात करें अगर इसको बाय करना चाहिए या नहीं, तो अगर जो लॉन्च प्राइस था उसमें आपने ले लिया है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसी के साथ बात करें, आप इसके लिए ₹1,000 अगर इसका प्राइस जाता है फिर भी आप इसको परचेस कर सकते हो, 1200 तक भी इसका प्राइस जाता है तो आप ले सकते हो। बैटरी बैकअप भी सही है एंड साउंड क्वालिटी एंड फिट जो है इसका वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। गेमिंग के लिए भी आप प्रीफर कर सकते हो एंड फाइनली देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक एंड डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है। जो ईयरबड्स के लुक है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, केस का भी लुक यहाँ पर ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है। सो यही कुछ था एंड आई होप मेरे तरफ से मैंने सब कुछ कवर किया। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।